एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये टाटा एज है, तो इसमें क्या होता है, गाड़ी चलती है तो ओवरहीट हो जाती है। थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद हीटिंग की लाइट आ जाती है, हीटर के अंदर ऊपर चला जाता है। इसका कूलन चेक किया हमने, ओके है, उसमें से एयर निकाल हमने तो भी अभी ओके कर दिया, फिर भी वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है। तो इसका हम क्या करने वाले है, हेड गैसकेट चेंज करने वाले है, और इसका हेड है उसे रिपावरिंग करवाएंगे, फेस करवाएंगे। तो इस वीडियो में वो सारी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलो उसे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। गाड़ी चलती है तो क्या होता है, हीटर का आटा ऊपर तक चला जाता है, इसका रेडिएटर फैन भी ओके है, रेडिएटर सर्विस किया हुआ है, सब चीज़ें ओके, इसका ऑयल भी कम्प्लीट है, फिर भी ये प्रॉब्लम रहता है। इसका इंजन में से हमने एयर भी निकाल दी कूलेंट में से, फिर भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है। फैन भी कम्प्लीट चल रहा है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका हेड का गैसकेट है, उसे हम रिप्लेस करेंगे। तो ये है इसका दोस्तों इंजन। तो दोस्तों, ये है, ये 2 सिलेंडर इंजन रहता है, इस तरह का इंजन इंडिका में भी रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो करेंगे वो आप कार इंडिका आती है, टाटा इंडिका, उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इस कवर को हमें निकालना होगा, यहाँ से चेक जोस को हमें निकाल देना होगा, क्योंकि जो जो चीज़ें हेड के साथ लगी हुई होगी उससे सबको हमें रिमूव करना होगा। यहाँ पे फिल्टर और इनलेट है तो इसे भी हमें निकाल के लेना होगा। तो हमें इस इनलेट को निकाल देना, इसका कवर निकाल दिया है, यहाँ पे इसका टेस्टनर रहता है, उसे लूज करके हमें इसके बेल्ट को भी बाहर निकाल देना होता है। इस फिल्टर को अभी क्या, एक साइड बॉल निकाल दिया है, दूसरी साइड निकाल के इसे साइड में कर देंगे, और इस इनलेट को भी निकाल देंगे और इस एक्सोस को भी निकाल देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, हमने जो इसके हीटिंग प्लग रहते हैं उसका निकाल देना है, इंजेक्टर की पाइप है उसे भी निकाल देना है। आप देख सकते हैं, हमने इसका इनलेट निकाल दिया है, एग्जॉस्ट के सारे बोल्ट लगा के उसे साइड पर कर देना है। यहाँ पे इसका मेन बोल्ट रहता है पुल्ले का, उसे निकाल के इस पुल्ले को हम बाहर कर देंगे। उसके बाद हम ये टेपेट कवर है उसके बोल्ट ओपन करेंगे, और अंदर से हेड के बोल है उसे निकाल देंगे। उससे पहले पुल्ले को निकाल के यहाँ पे एक 10 नंबर का बोल्ट रहता है, उसे भी हमें निकालना होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, हमने इसका टेपेट कवर है उसका बोल्ट निकाल के निकाल दिया। अब यहाँ पे आप हेड के बोल्ट देख सकते हैं, उसे हमें खोल के लेना होगा। देख सकते हैं, हमने इसका हेड निकाल दिया है, इसके इंजेक्टर, इसके हीटर प्लग, इसका जो थर्मोस्टेट स्विच, सारे चीज़ें हमने इसका निकाल दिया है, क्योंकि अब इसका वायर है उसे चेक करवा लेंगे और इसे पूरी तरह से फेस करवा लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी हमें अच्छी तरह से क्लीनिंग करके लेना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं, इसका हेड गैसकेट है, ये एल्बो ख़राब हो गया है, इसका इनलेट पैकिंग है, एल्बो पैकिंग, ये सारी चीज़ें हमें क्या है, नहीं डालनी होगी। तो आगे का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। हमने इसका हेड निकाल दिया था और उसे फेस करवाना था, तो मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। आप इसका वाटर पम्प देख सकते हैं, ये हमने बाहर निकाला, पता चला कि आप देख सकते हैं इसकी सारी की सारी पंखुड़ियाँ है वो ख़राब होकर टूट गई है, इसकी वजह से गाड़ी क्या हीट ले गई और हमारा गैसकेट है वो ख़राब हो गया। तो इस वाटर पम्प के फेल हो जाने की वजह से ही सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इसका नया वाटर पम्प है, देख सकते हैं आप, इस तरह की पंखुड़ियाँ रहती है दोस्तों इसमें, ये क्या पानी को घुमाती है, जिससे वजह से पानी सर्कुलेशन, वाटर होता है वो सर्कुलेशन होता है, पर यह तो सर्कुलेशन कर ही नहीं पा रहा था, इसकी वजह से गाड़ी बार बार हीट हो जाती थी, तो हमें इसे बदलना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसका हेड है जिसके वाल को हमने ग्राइंडिंग करवा लिया है और इसको पूरी तरह से फेस करवा लिया है, ताकि क्या हो कि यह जो सरफेस हीट होता है जब गाड़ी, तो सरफेस आउट हो जाती है, तो इसे फेस करवाना ज़रूरी रहता है, वरना क्या नया वाटर पम्प डालेंगे वो भी ठीक से वर्क, जो नया गैसकेट डालेंगे वो भी ठीक से बैठेगा नहीं और प्रॉब्लम कंटिन्यू होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो एल्बो रहता है उसे हम सबसे पहले फिट कर देंगे। तो यहाँ पे इसका एक रिंग रहता है उसे डालना होता है, और इसका यह पैकिंग रहता है उसे डालना होता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, नया एल्बो लाए हैं, क्योंकि पुराना वाला था वो ख़राब हो गया था, तो यह नया एल्बो है उसे बिठा देंगे। जिन चीज़ों को हमें चिपकाना होता है उसके जगह पर हमें एनाबोन टाइप ट्यूब का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर ट्यूब रहती है और ये अच्छी तरह से पैकिंग करने में हमें मदद करती है। तो इस ट्यूब का इस्तेमाल करके हमें जो वाटर की सारी चीज़ें होती है उसे लगाना है। एल्बो फिटिंग हो गया, थर्मोस्टेट स्विच फिट हो गई, अब इसके हीटर प्लग है उसे हम फिटिंग करेंगे। दोस्तों, हीटर प्लग को एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए इसे डालने से पहले, अगर दोस्तों हीटर प्लग खराब हो जाते हैं तो गाड़ी स्टार्टिंग होने में काफ़ी दिक्कतें आती है, तो हीटर प्लग को हमें चेक जरूर कर लेना है, तो उसको उसकी जगह पर लगा देना है। हेड की चीज़ें सारी कंप्लीट इंस्टॉल हो गई है,
अब सबसे पहले हम इसका वाटर पंप है उसे यहाँ उसकी जगह पे लगा देंगे। तो यहाँ पे इसका लोकेशन रहता है और है इसका वाटर पंप, तो मैं इसे पहले इंस्टॉल कर देना है। और इसको साथ में पैकिंग को यूज़ करना नहीं भूलना है और एनाबोन ट्यूब को भी हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसका टेस्टनर भी लगा दिया है और इसका वाटर पंप है वो भी इंस्टॉल हो गया है, साथ में यह पत्रा यहाँ साइड में लगता है उसे भी लगा दिया। अब हमने हेड गैस्केट को लगा दिया है, इसका पुराना हेड गैस्केट पूरी तरह से ख़राब हो गया था तो हमने नया लगा दिया है। और इसके ऊपर ऑयल लगाना नहीं भूलना है दोस्तों, इसे जब भी लगाए तब ऑयल लगाए ताकि क्या हो कि अच्छी तरह से फिटिंग हो सके। तो इसको इस तरह से लगा दिया है, अब इसके ऊपर हम हेड रख देंगे। हेड को इसकी जगह परफेक्ट डोवेल पे बिठा देना है, बाद में उसके हेड के बोल्ट है उसे हम इंस्टॉल कर देंगे। हेड को कम्प्लीटली बिठाना है, इसमें जरा से भी चूक नहीं चलती दोस्तों, इसलिए इसके डोवेल होती है उसके अंदर परफेक्टली इसे बिठा देना है। लास्ट में आपको इसका टाइमिंग कैसे मिलाते हैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसके हेड के बोल्ट को टाइट कर देने के बाद इसके ऑटोमाइजर की वो सारी चीज़ें उसे लगा देना है। यहाँ पे इसका वाटर के लिए जो पाइप दिया गया उसे लगाएंगे। इसमें पैकिंग सारे के सारे पैकिंग दोस्तों हमें नया यूज़ करना है, पुराना कोई भी नहीं यूज़ करना है। यहाँ इसका इनलेट आएगा तो आप देख सकते हैं इनलेट के लिए भी पैकिंग मैंने मंगवा रखा है। इसका एग्जॉस आएगा तो एग्जॉस के लिए भी पैकिंग है। तो सब चीज़ें हमें वन बाई वन नया पैकिंग के साथ इंस्टॉल करनी है और बाद में हम इसका टाइमिंग मिलाते हैं। कैमशाफ्ट का टाइमिंग मिला ना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी का फिल्टर रहता है उसी के बगल पर एक यहाँ पे छेद रहता है, उसके अंदर हमें एलंकी डाल देना है, व्हील को घुमाते जाना है। एक पोजीशन आएगी जो व्हील फ्लाई व्हील को यह लॉक कर देगी, तो उस जगह पे हमें क्या होता है क्रैंक का टाइमिंग हमेरा सेट हो जाता है। इस तरह से हम फ्लाई व्हील को लॉक करके कैमशाफ्ट मिलाएंगे। कैमशाफ्ट का टाइमिंग मिलाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छेद रहता है उसके अंदर भी इसे घुमाते जाएंगे तो यहाँ एक पोजीशन पर लॉक हो जाता है, तो उस जगह पे हमें कैमशाफ्ट का मिल जाता है। फिर बाद में आप देख सकते हैं बचा है एक रोटरी पंप, तो रोटरी पंप का मिलाने के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे एक पुली के अंदर होल रहता है, उसके सामने एक दूसरा होल रहता है, उसके अंदर इस तरह से एलंकी डाल के हमें लॉक कर देना रहता है। तो इस तरह से हमें इसका तीन चीज़ें होती है उसे लॉक करनी होती है। क्रैंक शाफ्ट को हम फ्लाई व्हील से लॉक करेंगे, कैम शाफ्ट को आप देख सकते हैं यहाँ से लॉक किया जाएगा और रोटरी पंप को वहाँ पर, तो यह उसका टाइमिंग रहता है। बाद में हमें बेल्ट को लगा देना है, देख सकते हैं हमने टाइमिंग बेल्ट को लगा दिया। टाइमिंग बेल्ट को लगाने के बाद दोस्तों इंजन को पूरा राउंड घुमा देना है एक बार ताकि हमें पता चल सके कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना। पहले उससे पहले अगर टाइमिंग मिलाने के बाद सारी चीज़ें जो हमने लॉक की थी उसे रिलीज़ कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से इसका टाइमिंग मिलाया जाता है। अब बाकी बचा टेपेट कवर उसे हम लगा देंगे और इसका एक जो से उसे फिट कर देंगे और बाद में हम कार को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ऑयल डाल देंगे और उसका जो कूलेंट है उसे डाल देंगे।